हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस में हमने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लगभग 5% ऊपर बंद हुआ 26-27 रुपीज गेन के साथ। लगभग 556 के अराउंड हमने नेचुरल गैस की क्लोजिंग देखी थी। और यहाँ जो है तो इस साल के दोनों टारगेट, इन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करने के बाद अभी ये चल जा रहा है तीसरे टारगेट की तरफ, जो है 650 वो है लगभग 620 रुपीज़ का। तो नेचुरल गैस जिस तरह से इसमें मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में हमें 620 का भी लेवल जो है तो नेचुरल गैस में देखने को मिल जाएगा। मगर यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस तरह से जो हालात है मार्केट में, न्यूज़ फ्लो है, वॉर के सिचुएशन की वजह से या फिर इन्फ्लेशन की वजह से या फिर इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है तो हाइक का साइकिल चल सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ जो है तो बहुत ज़्यादा आपको ऊपर नीचे के लेवल आते हुए देखेंगे। करंटली जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ है और जो इन्वेस्टर है उन्हें एक्सपेक्ट करनी चाहिए 620 के टारगेट। हो सकता है कि उसके ऊपर भी जाए, मगर उसके ऊपर जाता है तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। जिस तरह से हमने क्रूड में अच्छा खासा स्लम देखा था, उस तरह से नेचुरल गैस में भी जो है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जिस स्पीड से ही ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे भी आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस मोमेंटम आपको ऊपर जाते हुए मिल रहा है वैसा ही मोमेंटम आपको ये जब करेक्ट होगा उसी टाइम आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। करंटली 620 आपका जो है तो टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टर के लिए। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देख सकते हो कि इस वीक जो है तो नेचुरल गैस लगभग 16% भागा है और लगभग 76-77 रुपीज़ के हमने गेन देखे हैं। ये लगभग पांचवा हफ्ता था जिसमें नेचुरल गैस जो है तो गेन के साथ बंद हुआ है। पिछले हफ्ते हमने 10% के गेन देखे थे, इस हफ्ते हमने जो लगभग 16% के, तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि नीचे के लेवल से जो है तो अच्छी खासी डिमांड आ रही है यहाँ, और ऊपर भी डिमांड जो है तो बरकरार है। अभी हम बढ़ रहे हैं लगभग 620-630 रुपीज़ के लेवल की तरफ, जो इसका मीडियम टू लॉन्गर टर्म टारगेट रहेगा। वीकली चार्ट पे मोमेंटम है और हम जो है तो शायद आने वाले एक दो हफ्तों में ही 620-630 के लेवल जो है तो नेचुरल गैस में देख सकते हैं। यहाँ जो है तो नीचे की तरफ सपोर्ट अभी रहेगा 500 के अराउंड। तो अगर करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 500 के अराउंड आपको एक फिर से री एंट्री का मौका मिलेगा। अगर आपको री एंट्री लेनी है तो 500-490 के अराउंड जो है तो लॉन्ग री एंट्री ले सकते हो। टारगेट रहेगा उसका भी 620-630, और ये मीडियम टर्म मतलब कुछ हफ्तों से लेकर महीनों का टारगेट रहेगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम जो है तो सुपर बुलिश ट्रेंड में घुस चुके हैं। यहाँ जो है तो मोमेंटम भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और आपको वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऊपर के तरफ के टारगेट भी आ सकते हैं, मगर यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे जिस तरह से हम ऊपर गए उसी तरह से हम नीचे भी आ सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। आई मोस्टली प्रीफर इंट्राडे ट्रेड, मैं इसमें लॉन्ग ट्रेड कैरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ अगर आपको कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है इसके खिलाफ तो आपको एक अच्छा खासा गैप डाउन और उसके बाद में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और मैं मोस्टली ओवरबॉट पोजीशन में कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, उसको ट्रेड करता हूँ, मगर इंट्राडे में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है तो कभी भी उसमें स्लंप आ सकता है। और जिस तरह से नेचुरल गैस अभी करंट लेवल पे है, यहाँ से आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिख सकती है। यहाँ नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है कल अगले हफ्ते के लिए वो रहेगा लगभग 500 और 510 के बीच में। तो इस जोन पे अगर आता है तो आप बाइंग का सोच सकते हो विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, मगर यहाँ अगर बाइंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होने की ज़्यादा संभावना है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो है तो जिस तरह से ये ऊपर गया उसी तरह से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ बुलिश व्यू है, डेली चार्ट भी सुपर बुलिश है, मगर हाईली ओवरबॉट है। यहाँ लॉन्ग ट्रेड ही लेना है हमें, मगर वो इंट्राडे में, हम एक भी पोजिशनल लॉन्ग कैरी नहीं करेंगे। अगर हमें शॉर्ट का मौका मिलता है और वीकनेस दिखती है तो हम प्रीफर करेंगे शॉर्ट कैरी करना, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, मगर वो जब वो क्लियर कट सिग्नल आएगा तभी करेंगे। अभी फिलहाल तो जो मोमेंटम है वो लॉन्ग साइड है और मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली जो है तो 620-630 तक लेकर जा सकती है नेचुरल गैस को। तो यहाँ मोस्टली लॉन्ग प्रीफर करेंगे, मगर वो भी सिर्फ इंट्राडे में। आई डोंट थिंक कि पोजिशनल लॉन्ग लेने में कोई भी ये है, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है।
और उसके वजह से बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो लॉन्ग व्यू रहेगा नेचुरल गैस में, मगर ऑन इंट्राडे बेसिस और टारगेट मुझे लगता है यहाँ अभी डेली चार्ट के जो टारगेट थे वो सभी अचीव हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ अभी आप एक सपोर्ट या स्टॉप लॉस बचा है जो है 510 का। अगर इसके नीचे आता है तो आपको एक डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें नेचुरल गैस जा सकता है लगभग 420-400 के लेवल तक। तो जिस तरह से मैंने कहा, जिस तरह से ये मोमेंटम बिल्डअप हो गया है उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो 510 के नीचे आता है तो हम शॉर्ट करने का सोचेंगे विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसमें जो है तो आपको निचले लेवल पे मल्टीपल टारगेट देखने को मिलेंगे। जब तक ये 510 के नीचे नहीं आता है तब तक शॉर्ट भी करने की जरूरत कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, उसमें जो है तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ मोस्टली लॉन्ग साइड चूज करनी है और मेरा पर्सनल व्यू रहेगा मैं लॉन्ग साइड ही चूज करूंगा, मगर वो इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि यहाँ अभी लॉन्ग साइड में रिस्क बहुत बढ़ चुका है। और अगर शॉर्ट करना है तो 510 के नीचे आता है तो ही हम शॉर्ट का सोचेंगे, तब तक शॉर्ट का भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्रेड बनता है। हाँ, अगर 620-630 के लेवल आते हैं तो वहाँ एक जो है तो कॉन्ट्रा शॉर्ट ले सकते हो, उसमें जो है तो आपको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको 100 पॉइंट का टारगेट उस टाइम पे मिल जाए। तो 620-630 जो लेवल है वो एक अच्छा खासा एक कॉन्ट्रा शॉर्ट बनेगा। जो कॉन्ट्रा शॉर्ट रहते हैं या फिर कॉन्ट्रा लॉन्ग रहते हैं वो हाई रिस्क ट्रेड रहते हैं। उसका मतलब ये है कि उन ट्रेड्स में स्टॉप लॉस फिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो कॉन्ट्रा ट्रेड रहते हैं वो कभी कभी ही आपको वो प्रॉफिट देते हैं, मगर कभी कभी वो जो है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड रहते हैं। तो जिन्हें लेना है रिस्क वो ले सकते हैं, और जिन्हें शॉर्ट करना है उन्हें मेरी सलाह रहेगी 620-630 का वेट कीजिए। जब तक 510 बरकरार है तब तक आप लॉन्ग का ही सोचिए, और मैं भी लॉन्ग ही करूँगा मगर मोस्टली ऑन इंट्राडे बेसिस। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए विद द लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी प्रीमियम सर्विस ले सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.